हमारे न्यूज नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आइए रूबरू कराता हूँ आज की मोतीगंज गोंडा झंझरी ब्लॉक क्षेत्र के बिहड़वा का प्राथमिक विद्यालय, जहां एक ही शिक्षिका के सहारे संचालित है विद्यालय। विद्यालय में शिक्षकों की कमी है, जिससे पढ़ाई के लिए बच्चों को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है। प्रधानाध्यापिका शीला चौधरी ने बताया कि विद्यालय में उनके अलावा कोई सहायक शिक्षक नहीं है। मिराज अहमद की रिपोर्ट। क्या बनना है बच्चों के लिए? सहारी सर। हाँ। कोई समस्या हो तो बताइए। कोई समस्या नहीं। दूध भी बढ़ता है। ये आपका शुभ नाम? शीला चौधरी जी। श्रीमती शीला चौधरी। ये कौन सा प्राथमिक विद्यालय है? प्राथमिक विद्यालय बेहड़वा। यहाँ पर विद्यालय के बारे में क्या बताएंगे आप? विद्यालय के बारे में तो सब सही है जी। कुछ समस्या है, जैसे कि यहाँ अध्यापक हम अकेले हैं बिल्कुल जी। ना कोई शिक्षा मित्र है जी। ना कोई सहायक अध्यापक है जी। हाँ, इससे पहले दो अध्यापक थे, वो अंतर जनपद में चले गए जी। एक फिर सहायक अध्यापक आए, उनका मॉडल में हो गया जी। मॉडल स्कूल में चले, फिर अकेले। उसके बाद ये 8 महीने से तो बिल्कुल यहाँ फिर अकेले हैं। और बच्चों की संख्या भी काफी थी। कितने बच्चे की संख्या है यहाँ पर इस समय? तो प्रेजेंट टाइम में 56 बच्चे हैं मेरे यहाँ दर्ज जी। और आते हैं 40, 45, 42, 47 ऐसे आते हैं लगभग। और पेयजल के बारे में क्या बताएंगे? पेयजल मेरे यहाँ पेयजल की नल सही है जी। नल की स्थिति बिल्कुल सही है, पानी दे रहा, सही पानी है उसका। साफ सफाई के बारे में क्या? साफ सफाई के बारे में थोड़ा है जी, शौचालय गंदा है जी। जो कभी कभी जो गांव के बच्चों द्वारा भी उसका दरवाजा सिटकनी तोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से जी। तोड़ के बच्चे, बाहरी बच्चे भी, बाहरी लोग भी आके उसको गंदा कर देते हैं गेट ना लगने की वजह से। तो इसकी शिकायत कहीं किया नहीं? नहीं, इसकी शिकायत आते हैं लोग विभागीय, जैसे आके देख गए जी। हाँ, देख के गए हैं। और इससे पहले जो हमारे यहाँ कायाकल्प के तहत जी, वो सूचना जा चुकी है जी। हाँ, सबसे सब जो सबसे आवश्यक चीज है वो है अध्यापक का जी। अध्यापक की कमी, अध्यापक यहाँ पर अध्यापक की कमी है, बच्चे ज्यादा हैं। बच्चे ज्यादा हैं और बच्चे भी ज्यादा हैं। और दूसरी बात है, अगर बच्चे कम भी होते तो भी एक अध्यापक और जरूर, एक सहायक अध्यापक और भी जो है जरूरी है, क्योंकि एक ही अध्यापक दो सारे काम नहीं कर सकता है। अभिलेख से संबंधित भी कार्य हो और फिर पढ़ाई से संबंधित भी कार्य हो, क्योंकि सारे बच्चे, सभी क्लास अलग अलग है ना, 1 से 5 तक है, तो सारे बच्चों को सामूहिक रूप से भी एक ही अध्यापक नहीं पढ़ा सकता है। इस वजह से यहाँ सबसे जरूरी, सबसे मूल जो आवश्यकता है वो है अध्यापक। हाँ, अध्यापक की आवश्यकता सबसे ज्यादा है।